क्या आपने टायर लेते हुए कभी ब्रांड और प्राइस के अलावा किसी चीज पे फोकस किया है? 185/65R1486H ये टायर 26th वीक ऑफ 2015 में मैन्युफैक्चर किया गया है। आई एम श्योर आप काफी सारी चीजें मिस आउट करते होंगे, पर टायर का साइड वॉल ही उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। अगर आप भी हमारी तरह कार्स और उनसे रिलेटेड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो टायर की सबसे बेसिक स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं। 185/65R1486H यहाँ पे लिखे हुए हर नंबर की एक यूनिक इम्पोर्टेंस है। जो सबसे पहला नंबर लिखा है 185, दैट इज द टायर विड्थ। एमएम में इस टायर की जो विड्थ है वो है 185। कमिंग टू 65 इसका प्रोफाइल है या फिर इसको एस्पेक्ट रेशो भी कहते हैं। 65 इज 185 का 65% हिस्सा इसकी साइड वॉल की थिकनेस है। देन आर स्टैंड फॉर रेडियल। देखिए, टायर में सिर्फ रबर नहीं होता, इसमें स्टील, पॉलिएस्टर, नायलॉन, बहुत कुछ होता है। तो इसके अंदर कुछ प्लाइज हैं जो इसको स्ट्रेंथ देती हैं। तो रेडियल सिर्फ ये बता रहा है कि वो प्लाइज जो हैं वो रेडियल डायरेक्शन में हैं, यानी कि इससे 90 डिग्री के एंगल पे हैं। उसके बाद कमिंग टू 14 जो है वो हमारे रिम का डायामीटर है इन इंचेस। देन कम्स 86 इसकी लोड रेटिंग है, यानी कि ये टायर मैक्सिमम प्रेशर पे और ऑप्टिमम कंडीशंस में कितना लोड ले सकता है। अगर हम टेबल से देखें तो 86 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 530 kg, यानी कि ये सिंगल टायर 530 kg का वेट ले सकता है। एंड देन H आपको बताता है स्पीड रेटिंग, यानी कि 86 की लोड पे ये टायर किस मैक्सिमम स्पीड पे चल सकता है 10 मिनट के लिए विदाउट एनी फेलियर, और वो स्पीड H के कॉरेस्पॉन्डिंग है 210 km/h। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एसलर। ये अपोलो का एक प्रोडक्ट लाइन है जिसमें पर्टिकुलर ट्रेड्स मिलते हैं जो कि कुछ इस तरह दिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैक्सिमम लोड सिंगल 530 kg एट 240 kPa कोल्ड, यानी कि ये सिंगल टायर 530 kg का वेट ले सकता है जो हमने पहले ही देखा, और ये इस लोड की कंडीशन है ये 240 kPa पे होना चाहिए और ये कोल्ड कंडीशंस में होना चाहिए, यानी कि ये टायर चल ना रहा हो, ये हीटअप ना हुआ हो। तो 240 kPa को अगर हम PSI में देखें तो लगभग 34 PSI होता है। उसी के नीचे लिखा है मैक्सिमम इन्फ्लेशन प्रेशर इज 350 kPa, यानी कि ये टायर वर्स्ट कंडीशन में भी 50 PSI तक का प्रेशर झेल सकता है। अब आप जान सकते हैं कि हाईवेज पे अगर टायर बर्स्ट होता है तो उसका प्रेशर कितना ज्यादा हो चुका होता है तब जाके वो बर्स्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टील रेडियल। स्टील रेडियल में स्टील में आपको बता चुका हूँ इसमें नंबर ऑफ प्लाइज हैं जिसमें स्टील भी यूज हुआ है, और रेडियल का मतलब भी हम पहले देख चुके हैं। नया है तो ये DOT PO6L। DOT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये US फेडरल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि ये देखती है कि टायर जो है वो लीगली रोड पे चलने के लिए ऑथराइज है कि नहीं। और PO6L एक यूनिक कोड है जो DOT ने अपोलो को प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। मैं एक दूसरा टायर यूज कर रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि DOT नंबर के साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग का टाइम भी पता लगता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 2615, ये बता रहा है कि ये टायर 26th वीक ऑफ 2015 में मैन्युफैक्चर किया गया है। ये पर्टिकुलर नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एग्जैक्टली क्या है ये बताना मुश्किल है, बट ये एक बैच नंबर है जो कंपनी को एट टाइम ऑफ रीट्रैकिंग ये बता सकता है कि ये टायर किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना था। और अपोलो की मैन्युफैक्चरिंग पेराम्ब्रा केरला में होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टायर का बैच कोड वहीं का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ISI मार्किंग भी मिली हुई है, यानी कि ये इंडिया के द्वारा BIS से भी प्रमाणित है। उसके बाद यहाँ पे प्लाइज के बारे में लिखा है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि टायर के अंदर बहुत सारी प्लाइज होती है,
तो यहाँ पे लिखा है प्लाई स्ट्रेड 1 पॉलिएस्टर प्लस 2 स्टील प्लस 2 नायलॉन, यानी कि जो हमारा टायर का विड्थ का एरिया जो कि कॉन्टैक्ट पैच बनाता है वहाँ पे एक पॉलिएस्टर की, दो स्टील की और दो नायलॉन की प्लाईज लगी हुई है, और जो साइड वॉल है उसमें 1 पॉलिएस्टर, यानी कि ऊपर जो एक पॉलिएस्टर की प्लाई है वो यहाँ साइड वॉल तक एक्सटेंड हो रही है और ऊपर 4 प्लाईज और। देन इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि ट्रेड गियर 300, ट्रैक्शन 8, टेम्परेचर 8। जब अपोलो ने इस स्पेसिफिकेशन का पहला टायर बनाया था तो उसकी टेस्टिंग की थी और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको 100 की रेटिंग दी थी। तो ये 300 सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर टायर जो है वो उस टायर के मुकाबले वियर 3 गुना कम करेगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा चलेगा। और ट्रैक्शन ए, ट्रैक्शन डबल ए बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, तो ट्रैक्शन ए का मतलब है इसकी ट्रैक्शन बहुत अच्छी तो नहीं है पर इतनी ज़रूर अच्छी है कि इसको एक लॉन्ग लाइफ दे सकती है। टेम्परेचर ए, ए टेम्परेचर रेटिंग सबसे ज़्यादा सुपीरियर रेटिंग है। ये रेटिंग ए बी और सी में कैटेगराइज होती है। ए का मतलब है ये सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट टायर है। कोई भी बॉडी जब रोटेशन करती है और अगर वो अनबैलेंस हो तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करती है, इसी वजह से हम टायर की बैलेंसिंग भी कराते हैं। बट टायर को रिम के ऊपर फिट करते हुए ये डॉट्स काम में आते हैं। यहाँ पे आप एक रेड डॉट देख पा रहे हैं, ये आपको ये बता रहा है कि ये जो है वीकेस्ट एरिया है टायर का, यानी कि वेट वाइज ये एरिया सबसे वीक है, तो इसको हम अपोजिटली प्लेस करते हैं बॉल्स के ताकि ये टायर बैलेंस हो। और उसके बाद भी अगर बैलेंस नहीं बन पाता तो हम एक छोटे छोटे वेट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे 17.56 ग्राम का एक वेट लगा हुआ है जो इस पूरे टायर को रोटेशन के टाइम पर बैलेंस रखता है और टायर में वॉबलिंग नहीं होती। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में।